नमस्कार, साहित्य तक के बुक कैफ़े के एक दिन एक किताब में मैं जयप्रकाश पांडे आपका स्वागत करता हूं। आज शुक्रवार है और वादे के मुताबिक मैं एक कविता संग्रह के साथ उपस्थित हूं, जिसका नाम है मैं समस्त बन जाऊं। सौरभ भुवानिया का यह कविता संकलन है। झारखंड के दुमका में इनका जन्म हुआ, वहीं उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। कोलकाता के सेंट जेवियर्स कॉलेज से कॉमर्स में ग्रेजुएशन किया, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की पढ़ाई की, दिल्ली के फैकल्टी ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज से मैनेजमेंट किया और उसके बाद उनका चयन भारत की सिविल सेवा परीक्षा में हो गया। अभी सिविल सेवा परीक्षा पास कर वो सिविल सेवा के अधिकारी हैं। इस संग्रह में उनकी जो कविताएं शामिल हैं उनमें उनका कहना है कि मैं कवि हूँ कि नहीं हूँ मुझे मालूम नहीं, लेकिन मेरा जीवन घटनाओं की तरह से और उसमें जो मेरे विचार जिस तरह से आए, जो अनुभव आए, उन पर मैंने कविताएं लिखी। इनमें बुद्ध भी है, मृत्यु भी है, विरक्ति भी है, पलायन भी है और जो मुझे महसूस हुआ उसे मैंने दर्ज किया और पुस्तक छपाने की बात है तो मैंने पुस्तक छपाई। उनकी कविताएं कैसी हैं, मैं कुछ कविताएं, जैसा कि आप जानते हैं, शुक्रवार को मैं कविता संग्रह की जब चर्चा करता हूँ तो उस कविता संग्रह से चार कविताएं पढ़ता हूँ। तो पहली कविता जो है वह उसका नाम शीर्षक है दोहरा भास। दोहरा भास। कभी मन की प्रफुल्लता, कभी मन की प्रफुल्लता, कभी दुख का एहसास, कभी लगूं अनाड़ी सा और कभी मैं सबसे खास, कभी योगी वाली चेतना, कभी फूलती हुई सांस, मेरे मन के अंदर राम और रावण का भी आवास, कभी पलायन सा भाव, कभी जीवन से लगाव, कभी भिक्षुक वाली सोच, कभी सम्राटों सा भाव, हर पल में जितना जीवन उतना छुपा मरण भी, लगे जीवन ही मुक्ति सा और जीवन ही शरण भी। इस दोहरा भास में हार भी है और मेरी ही है जीत भी, तो बस यह जीवन जितना बेदिल है उतना ही है संगीत भी। एक कविता है पिता पुत्र। साहस के बजाय दुर्बलता का चयन सिर्फ इस आधार पर कि पिता हो तो कलंक दे जाता है पिता होने के जज्बात को और साथ ही कर जाता है आहत पुत्र के स्वाभिमान को। तपस्या का रूप, त्याग का आडंबर, पुत्र का ऋणी होना क्षणभंगुर रोमांच है। जब परिपक्व होगा किसी दिन समझ जाएगा वह कि उसके माथे मढ़ी है तुमने अपनी नपुंसकता, अपनी कायरता, अपना अधूरापन, तो क्या है उपाय, कैसे पार पाए यह जो पितृत्व है, कैसे बोझ न बनने पाए। मसीहा बनना छोड़कर साझेदार बन जाओ और बना लो उसे अपना, दुख का, सुख का, अच्छे वक्त का, बुरे दौर का साझेदार। वह सीख ले तुम्हारे जरिए कुछ किस्से जीवन के, जीत का स्वाद, हार का तमाचा, भरे पेट का सुख, भूख का दर्द, गुदगुदाती नींद का आनंद और जगे रात की मायूसी, चौड़ी मुस्कान का बिखराव, बेबाक आंसुओं का सैलाब। न वह कृतज्ञ, न तुम बेबस, न उसका ऋण, न तुम्हारा हक, बस दो प्राण अलग अलग चल पड़े साथ साथ, एक दूसरे के बनकर महज साझेदार। बेहद उम्दा कविता है यह पिता पुत्र के संबंधों पर। एक छोटी सी कविता मैं पढ़ता हूँ। हम सब इतने एक हैं कि एक का जीना सबका जीना है और किसी एक की मौत हम सब की मौत। खुद को पृथक करना एक अप्राकृतिक भूल है, एक अहंकारी अपराध है। और चौथी कविता जो मैं इस संग्रह से पढ़ूंगा उसका शीर्षक है मैं सिर्फ मेरी कविता नहीं। मेरी कविताओं में मुझे तलाशना सबसे बड़ी भूल है तुम्हारी। कोई तीव्र भाव रहा होगा शायद वह, जिसे मैंने शब्दों में उतार दिया होगा। किसी गुजरे पल की विवशता रही होगी शायद वह, जिसने काव्य या छंद का रूप धर लिया होगा। वो शब्द शायद उस वक्त की मेरी मनोदशा होगी, या फिर मेरा तुम्हें छलने का जरिया, या फिर ध्यान आकर्षित करने का मेरा मोह, या फिर कुछ शब्द जो यूं ही पुरो दिए होंगे मैंने। भूल तुम्हारी है। मुझे उन कविताओं छंदों में खोजना, मुझे उन शब्दों में टटोलना, मेरे व्यक्तित्व को सीमित कर देना महज कुछ शब्दों और अर्थों में। मैं
सिर्फ कविता नहीं और भी बहुत कुछ हूँ, इतना कुछ जितना तुम हो वह है हर कोई है, क्योंकि जितना हम दिखते हैं बस उतने होते नहीं। कविता मेरा आवरण मात्र है, अगर जानना है मुझे तो छलनी कर दो इस आवरण को और मेरे होने के एहसास को। अगर आप अच्छी कविताएं पढ़ना चाहते हैं तो सौरभ भुवानिया के इस संग्रह को खरीद कर पढ़ सकते हैं। हिंद युग्म ने इसको प्रकाशित किया है और इस संग्रह में कुल 86 पृष्ठ हैं और मूल्य है 199 रुपये। उम्मीद है कविताओं पर आधारित हर शुक्रवार को मेरा यह एपिसोड आपको पसंद आ रहा होगा। इस कार्यक्रम में आप किस तरह की पुस्तकों की चर्चा चाहते हैं इसके बारे में अपनी राय से ज़रूर अवगत कराएं। मेरी कोशिश होती है कि विविध विधाओं की पुस्तकों के साथ मैं आपके पास पहुंचूं ताकि आपको अच्छी पुस्तकों के चयन में आसानी हो। अगर आप कविताओं के प्रेमी हैं तो हमारे साहित्य तक चैनल के इंस्टाग्राम पेज पर, फेसबुक पेज पर, यूट्यूब चैनल पर, तक ऐप पर, ट्विटर हैंडल पर लगातार कविताओं की बात होती है। हमारे तमाम सहयोगी उसमें अपना योगदान करते हैं। आप हमारे कार्यक्रम को देखते रहें, पुस्तकें खरीदते रहें, पढ़ते रहें, अपनी राय से अवगत कराते रहें। धन्यवाद।